क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं, यह नहीं कहो मैं इस बुराई का बदला चुकाऊंगा, प्रभु का भरोसा करो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। कई बार हमारे जीवन में जब लोग हमारा बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, हमारे जीवन में बहुत दुख आते हैं लोगों के कारण, उनके व्यवहार के कारण, तो मन ही मन हमें लगता है इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा, कुछ ना हो तो एटलीस्ट एक बार ताना तो जरूर मारूंगा। लेकिन प्रभु का वचन हमें यह सिखाता है कि कभी भी अपने मन में ये ना सोचे मैं किसी भी बात का बदला लूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखता है उसे उस समस्या को प्रभु के हाथों में छोड़ देना चाहिए। हमारे पास कई लोग आके ऐसे उपदेश देंगे कि तुम्हें भी उसके बदले में कुछ बोलना चाहिए था, तुम्हें भी कुछ करना चाहिए था। लेकिन प्यारे मित्रों, कभी भी दूसरों की बातों के अनुसार प्रभु के विपरीत हम ना चले, अपना एक रास्ता बनाकर अगर हम आगे बढ़े जो प्रभु के रास्ते से काफी अलग है, तो प्रभु वहां पर कुछ नहीं कर पाएगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। अगर हम प्रभु की प्रतीक्षा करें और थोड़ा सा धारस रखे, तो सही समय में उपदेशक के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 11 में जैसे लिखा गया है, प्रभु अपने समय में सब कुछ सुंदर कर देता है, हमारे जीवन में भी प्रभु कुछ सुंदर करने के लिए, वेट करने के लिए कहेगा। हम राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 6 और 7 में एक घटना पढ़ सकते हैं। वहां पे एक राजा ने दूसरे राज्य पर आक्रमण किया था और यह बेचारा राजा बहुत दिन तक चुप रहा, क्योंकि उसे कुछ करने के लिए नहीं हो रहा है। ये शत्रु राजा ने उनके शहर के अंदर आने वाले पानी के स्रोत को पूर्ण रूप से बंद कर दिया, वहां पे कोई बिजनेस नहीं चल रहा था, तो लोग भूखे मरने लगे। तब यह राजा नबी एलिशा के पास आकर बहुत चिढ़ता है, क्यों मैं इतना इंतजार करूं, क्यों मैं बदला ना लूं? और तब एलिशा उन्हें समझाते हैं, वेट करो, प्रभु पर भरोसा रखो, क्योंकि प्रभु एक दिन के लिए वेट कर रहा है जहां पर तुम और तुम्हारी प्रजा एक दिन में ही बहुत धनी बन जाएंगे। अगर हम 7वें अध्याय को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि प्रभु ने कितना बड़ा कार्य उस राज्य के लिए किया। उसी प्रकार प्रभु भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। इसयास नबी का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 31 में प्रभु हमसे कहते हैं, अगर हम प्रभु पर भरोसा रखे तो हम एक नई शक्ति के साथ फिर से पंख के साथ उड़ने लगेंगे, हम कितने भी दौड़े हम थकेंगे नहीं, हम निरंतर चलते रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। तो प्रभु पर अगर हम भरोसा रखते हैं तो कई बार हमें निराशा आ सकती है, हमारे संकट और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन प्रभु पर दृढ़ आश्रय रखते हुए अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो वह सुंदर दिन प्रभु आपको दिखाएंगे, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की उद्देश्य के अनुसार आपके लिए नियुक्त किया गया है। और जब हम प्रभु पर भरोसा रखकर प्रतीक्षा करते हैं, तो एक दिन हम बहुत विनम्र होकर प्रभु के सामने जरूर आएंगे, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन अब हमसे नहीं हो रहा है। हमारी आत्मा में एक विनम्रता आ जाएगी प्रभु के सामने, और प्रभु जिस तरह एक पिताजी अपने बच्चे को गोद में ले लेता है, प्रभु भी हमारे जीवन को अपने गोद में ले लेगा। तब प्रभु जो हमारे जीवन में करेगा वह बहुत ही सुंदर होगा, हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। आइए आज के दिन हम यह वचन याद करें, इसयास नबी का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 31। प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती है, वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। प्यारे पिता, हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से आपको समर्पित करते हैं, हमें ये शक्ति दीजिए कि हम आपके स्वर को समझ सके और आपके सामर्थ्य से पुनः शक्ति पाकर उठ पाएंगे। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा,
आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।